और काफ़ी दोस्तों यहाँ पे खाने पीने का सामान मिल जाएगा। और देखिए समोसा है, लंगलती हो गया, गाजा लाई हो गया, इसके सहित चाउमीन भी देख रहे हैं आप। आपको अगर भूख लगता है, भूखे प्यासे हैं तो आइए, बगल में घूमने फिरने के साथ यहाँ पे आपको खाने पीने का भी प्रबंध है, खा पी सकते हैं। ऐसे दुकानों का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये है थोड़ी नरकटियागंज के बगल में है नेपाल इंडिया का बॉर्डर। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप देख रहे हैं थोड़ी प्लेस का नज़ारा, मेरे साथ घूम रहे हैं। वापस एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। ये देख रहे हैं आप थोड़ी प्लेस में कितना लोग आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। हम अभी आपको घुमा रहे हैं थोड़ी प्लेस का नज़ारा। थोड़ी कहा जाए तो एक सुंदर जगह है जो नेपाल इंडिया के बॉर्डर में है, और यहाँ पे काफ़ी दोस्तों घूमने फिरने का नज़ारा अच्छा बन रहा है। ग्रीन है, हरियाली है, आप लोग को जब भी मौका मिलता है तो आए बिहार नरकटियागंज थोड़ी में स्वागत कर रहे हैं। ऐसे नज़ारा बन रहा है, दृश्य बहुत ही अच्छा है। देखिए थोड़ी यहाँ पे, आप नेपाल के ही हैं, लोकल नेपाल हैं। हाँ। देख लीजिए दोस्तों नेपाली लोग कैसे होते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और क्या बेच रहे हैं आप? पान वगैरह बेच रहे हैं। क्या रेट है आपका पान का? प्राइस क्या होगा? 20 रुपया आईसी या एनसी नेपाली 20 का, यानी 12.5 रुपया इंडिया का हो गया दोस्तों। और कोको कोला भी बेच दिया। कैसे बेच दिया? 50 रुपया, 50 का वही 31 हो गया। तो चलिए आप क्या बताएंगी लोगों को जो वीडियो में देख रहे हैं, आपको क्या बताइएगा लोग के बारे में कि थोड़ी आएंगे लोग घूमेंगे फिरेंगे। पान बिकता है ना ऐसे यहाँ पे, पाचक वगैरह है, सेंटर फ्रूट हो गया, मतलब ऐसे दुकान आपको हम दिखा रहे हैं कि थोड़ी जब भी आते हैं तो मिल जाएगा दुकान। क्या क्या? आइसक्रीम भी हो गया। क्या रेट है आइसक्रीम का? आइसक्रीम का 20 से स्टार्ट होगा। 20 से स्टार्ट होगा, यानी मतलब 20 का 12.5 रुपया हो गया ना। तो ऐसे आइसक्रीम का भी नज़ारा दिखा रहे हैं। वापस एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। ये देख रहे हैं आप थोड़ी प्लेस में कितना लोग आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। हम अभी आपको घुमा रहे हैं थोड़ी प्लेस का नज़ारा। थोड़ी कहा जाए तो एक सुंदर जगह है जो नेपाल इंडिया के बॉर्डर में है, और यहाँ पे काफ़ी दोस्तों घूमने फिरने का नज़ारा अच्छा बन रहा है। ग्रीन है, हरियाली है, आप लोग को जब भी मौका मिलता है तो आए बिहार नरकटियागंज थोड़ी में स्वागत कर रहे हैं। ऐसे नज़ारा बन रहा है, दृश्य बहुत ही अच्छा है। देखिए थोड़ी यहाँ पे, कौन से स्कूल में? लोटस। कौन से जगह में है ये? रामपुर में। रामपुर में है, नरकटियागंज में है। जी। ओके, तो देखिए मैडम, ये क्या मैडम क्या बताना चाह रही हैं आप? बहुत दूर है। दूर है, और क्या बताना चाह रही हैं चैनल में जो लोग देख रहे हैं वीडियो में, इस थोड़ी प्लेस में घुमा रही हैं। तो वापस एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये है थोड़ी का प्लेस जो नरकटियागंज बिहार में है। आप देख रहे हैं मेरे साथ अभी थोड़ी का नज़ारा। हम आपको घुमा फिरा रहे हैं, लोगों से मिला रहे हैं, ताकि आपको कैसे देखने को मिल रहा है हमें बताइए दोस्तों। चाहेंगे सो मच, चलिए हम आपको आगे की ओर नज़ारा बता रहे हैं कैसे है। यार छोटी बच्ची भी हो गई, मैडम हो गई, आप भी है मैडम ना, तो क्या बताना चाहेंगी लड़की को जो दिलाने के लिए इन लोग को लाए हैं इधर घुमाने फिराने के लिए गवर्नमेंट की ओर से, जो आपको कोटा है ना? हम लोग नहीं आए हैं, अपने कैश से आई है ना। कैसे घूमना फिरना हो रहा है आपका? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है ना, तो क्या बताना चाहेंगी इस थोड़ी वाले प्लेस में स्पेशल? और हम लोग देखें अभी कैसा? अभी अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन पूरा मिल रहा है, वेदर का जो भी आनंद ले रहे हैं भरपूर। तो देखिए दोस्तों हम आपको घुमा फिरा रहे हैं, आप देख रहे हैं थोड़ी में कैसे नजारा बन रहा है वेदरों का, और ग्रीन है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट ग्रीन दिखता हुआ। और ये दोस्तों नेपाल वाले एरिया में है, और आप ठीक सामने इंडिया का जगह हो गया, वहाँ SSB कैंप है, और यहाँ पे नेपाल वाला एरिया हो गया दोस्तों। ये थोड़ी का इलाका है।
लाइन में पढ़ती है, कौन से स्कूल में? लोटस पब्लिक। कौन से जगह में है ये? रामपुर में। रामपुर में है, नरकटियागंज में है जी। ओके, तो देखिए मैडम, ये क्या मैडम क्या बताना चाह रही हैं आप? बहुत दूर है। दूर है, और क्या बताना चाह रही हैं चैनल में जो लोग देख रहे हैं वीडियो में, इस थोड़ी प्लेस में घुमा रही हैं यहाँ पे स्टूडेंट को? तो देखिए ऐसे घूमना फिरना हो रहा है, छोटी बच्ची भी हो गई, मैडम हो गई, आप भी है मैडम ना, तो क्या बताना चाहेंगी लड़की को? जो घुमाने के लिए इन लोग को लाए हैं इधर, घुमाने फिराने के लिए गवर्नमेंट की ओर से जो आपको कोटा है ना, अपने कैश से आई है ना, कैसे घूमना फिरना हो रहा है आपका? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है ना, तो क्या बताना चाहेंगी इस थोड़ी वाले प्लेस में स्पेशल? और हम लोग देखेंगे अभी कैसा, अभी अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन पूरा मिल रहा है, वेदर का जो भी आनंद ले रहे हैं भरपूर। तो देखिए दोस्तों, हम आपको घुमा फिरा रहे हैं, आप देख रहे हैं थोड़ी में कैसे नजारा बन रहा है वेदरों का, और ग्रीन है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट ग्रीन दिखता हुआ। और ये दोस्तों नेपाल वाले एरिया में है, और आप ठीक सामने इंडिया का जगह हो गया, वहाँ SSB कैंप है, और यहाँ पे नेपाल वाला एरिया हो गया दोस्तों, ये थोड़ी का इलाका, ऐसे इंजॉय भी किया जा रहा है। तो बताइए सर जी, आप पिकनिक पे बच्चे को लाए हैं ना? जी जी। तो क्या बताना चाह रहे हैं, ये कौन से जगह है, कैसे लाए आपने, क्या मूड बना आपको, क्या बताने रहे? एंजॉय करने के लिए ना, और पहाड़ वहाड़ के बारे में नॉलेज मिले, देश दुनिया लोग घूमे फिरे देश दुनिया के बारे में, और इन लोगों का माइंड डेवलपमेंट हो। कहा जाता है ना, विवेकानंद जी बताए कि हम जितने बाहर जाएंगे हमारी आत्माएं शुद्ध होगा, और हमें वहाँ पे तर्क विदर्क डिफरेंस समझ आया कि हमारे मुल्क में कैसा था और इस प्लेस में क्या, दोनों में मतलब डिफरेंस होगा। तो देश दुनिया घूमना चाहिए आप लोग को, इसीलिए आपको मुंड बना ऐसा घुमाते हैं ताकि डेवलपमेंट हो। तो देखिए सर जी, बच्चे बच्चियों को यहाँ पे घुमा फिरा रहे हैं, देखिए, थैंक यू सो मच। बस देखिए, और ये लोग काम कर रहे हैं, प्याज वगैरह छील रहे हैं। तो ऐसे देखिए, आपको गाड़ी भी बुक करके आते हैं लोग। ये है नरकटियागंज के बगल में थोड़ी प्लेस, आप देख रहे हैं, और लोगों का यहाँ पे कैसे इंजॉय चल रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बने रहिए वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग है आपको हम दिखाने ले रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए।